जिला मुख्यालय सहित प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार का 2 लाख तक की कर्ज माफी का वचन किसानों की फजीहत बनकर सामने आ रहा है। किसानों को इस समय पहले कर्ज चुका कर दूसरा कर्ज लेकर खेतों में खाद बीज लेकर बुआई करना शुरू करना है, लेकिन सरकार के 10 दिन में कर्ज माफी के जाल में किसान बुरी तरह फंस गया है। दरअसल किसानों को वादा कर आचार संहिता का बहाना प्रदेश सरकार ने बनाकर कर्ज माफी से पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस का वचन किसानों के लिए लॉलीपॉप साबित हो रहा है। विधानसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किया किसानों से 10 दिनों में कर्ज माफी नहीं तो सीएम बदलने की बात भी झूठी साबित हो गई है। चुनावी समय में हमेशा ही किसानों के साथ बड़े बड़े सपने दिखाकर ठग लिया जाता रहा है। ऐसे में अब किसान फसलों की बुआई कैसे कर पाएगा? किसानों से यदि वादा नहीं किया होता तो शायद किसानों के कर्ज माफ़ होकर दोबारा कर्ज मिल जाता। किसानों के गले की हड्डी बन गया कर्ज माफ़ी, जिससे न किसान चुका पाए और न दूसरा कर्ज ले पाए। कमलनाथ सरकार ने शिवराज की भावांतर योजना भी बंद कर दी, जिससे भी किसानों को फसलों पर बोनस मिलना बंद हो गया। किसान दोनों तरफ से मारा गया है। अब देखना यह होगा कि किसान इस लोकसभा के महायज्ञ में अपनी फजीहत को कैसे दूर करते हैं। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ में जिला अध्यक्ष का दायित्व बड़वानी जिले का। किसानों की क्या फजीहत हो रही है जबकि फसल बोने का समय आ गया है? किसानों की फजीहत ये हो रही है कि कांग्रेस सरकार द्वारा घोषणा पत्र में, अपने वचन पत्र में यह कहा गया था कि हम हर किसान का 2 लाख रुपये का कर्ज माफ़ करेंगे। कर्ज हुआ भी है तो कुछ किसानों को हुआ है, तो कुछ किसानों को जैसे हुआ तो वो भी 40,000, 30,000, 25,000 ऐसे किसानों को हुआ। अब जैसे इन्होंने 2 लाख रुपए की बात करी तो 2 लाख रुपए का लालीपाप दे के इन्होंने सरकार बनाई है। जैसे कि एक टिकट लिया 2 लाख रुपए की घोषणा करके, और विधानसभा और लोकसभा का दोनों पिक्चर देखना चाहते हैं, और किसानों के साथ धोखा किया ऐसी सरकार ने, मतलब किसानों को भ्रमित करके अपना ठगी करके इन्होंने अपनी सरकार बना ली। आप विधानसभा में भी लालीपाप देने की घोषणा कर रहे हैं, कुछ मजदूर वर्गों को आप 6,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा कर रहे हैं, वो भी किसान मतलब लालीपाप की तरह ही है। पंजीयन करवाया था जो मक्का का और सोयाबीन का, उसमें 500 रुपये कुंटल का डलना था तो केवल 250 रुपये डले, और वो कुछ मक्का के कुछ किसानों के डले हैं बस, जबकि मिलना था सबको, सबको मिलना था और 500 रुपये कुंटल के मिलना था तो 250 रुपये कुंटल का मिला, और वो भी कुछ किसानों को, छोटे किसानों को मिला।